नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 8 मई के करंट अपडेट्स के बारे में। आज है 8 मई और 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसके बारे में जो लास्ट क्वेश्चन उसमें बात करेंगे। आज का जो पहला अपडेट जो बनता है दोस्तों, तो वह है हाल ही में ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा जारी की गई पुरुष विश्व रैंकिंग में रोजर फेडरर का स्थान कौन सा। तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अंदर जो रोजर फेडरर का जो स्थान दिया गया है वह है तीसरा। ठीक है, तो रोजर फेडरर कौन सी रैंक पर है? तीसरी रैंक पर है। और बात करें फर्स्ट और सेकंड रैंक पर, तो फर्स्ट रैंक पर है नोवाक जोकोविच, ध्यान रखिएगा, और दूसरे नंबर पर है राफेल नडाल। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौन है? रोजर फेडरर। फर्स्ट पर है नोवाक जोकोविच और सेकंड नंबर पर है राफेल नडाल। ATP की फुल फॉर्म क्या होगी? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इससे कुछ जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किन्हें ब्रिटेन में VK कृष्णा मेनन अवार्ड, कौन सा VK कृष्णा मेनन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है GD रॉबर्ट गोविंदर को। किन्हें किया गया है? GB रॉबर्ट गोविंदर को VK कृष्णा मेनन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। GD रॉबर्ट गोविंदर दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के पत्रकार थे, और ठीक है, और इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। और हाल ही में जो VK कृष्णा मेनन की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 123वीं जयंती मनाई गई थी, आपको याद रखना है। और इन्होंने इस दिन किन्हें अवार्ड दिया गया है? GD रॉबर्ट गोविंदर जी को यह अवार्ड दिया गया है, VK कृष्णा मेनन अवार्ड 2019। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई के आखिरी सफ़ेद बाघ का निधन हो गया है, इसका क्या नाम था? तो हाल ही में जो मुंबई के जो आखिरी जो सफ़ेद बाघ था उसका निधन हो गया है, जिसका नाम था बाजीराव। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आखिरी सफ़ेद बाघ था मुंबई का उसका नाम क्या था? बाजीराव। और इसी से एक क्वेश्चन रिलेटेड है, जो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क में इसका निधन हुआ है, और आपको इससे एक क्वेश्चन और याद हो जाना चाहिए कि संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मुंबई में है। और बाजीराव की उम्र कितनी थी? 18 वर्ष थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने लगातार 126 घंटे नृत्य कर सबसे अधिक लंबे समय तक नृत्य करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है वंदना नेपाल ने। किन्होंने बनाया है? वंदना नेपाल ने 126 घंटे लगातार नृत्य करके, इससे पहले भारत की नृत्यांगना थी कलामंडलम हेमलता, ध्यान रखिएगा, जो इससे पहले जो नाम था वो था कलामंडलम हेमलता ने 123 घंटे 15 मिनट लगातार नृत्य करके, पहले उनके नाम था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसी के बाद जो वंदना नेपाल है उन्होंने 126 घंटे नृत्य करके उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अब इनके नाम है। ठीक है, ये नेपाल की रहने वाली, जो आपको नाम से पता चलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आज का फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और आप वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, प्लीज़ वीडियो लाइक तो कर ही देना। आज जो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदक से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है राष्ट्रपति पदक, द प्रिंसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये सम्मान हाल ही में जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया, और ये किन्हें दिया गया? ये दिया गया है टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स एक गोल्फर खिलाड़ी है, ठीक है, और ये गोल्फर है, और इसी के साथ टाइगर वुड्स ये पदक पाने वाले, राष्ट्रपति पदक पाने वाले चौथे गोल्फर बन गए हैं, और वो भी सबसे कम उम्र के। इसके बाद इससे पहले जो तीन गोल्फर थे जिन्हें पदक दिया गया था वो है जैक निकलोस, अर्नाल्ड पाल्मर और चार्ली सीफोर्ड, इन्हें भी ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और टाइगर वुड्स कौन से हैं? चौथे। और टाइगर वुड्स के जो फुल नाम की बात करें तो वह है एल्ड्रिक टॉन्ट वुड्स। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति हाल ही में अमेरिका के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है टाइगर वुड्स को, चौथे गोल्फर खिलाड़ी हैं जिन्हें सम्मान दिया गया है, और सबसे कम उम्र के गोल्फर खिलाड़ी हैं, लगभग 43 ईयर्स के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किन्हें भारतीय वॉलीबॉल टीम पुरुष में का कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ड्रैगन मिहेलोविक को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है, पुरुष टीम का। ठीक है, और इसके अलावा प्रीमिसुला गेजस्की को तो बनाया गया है फिजियो ट्रेनर, ध्यान रखिएगा,
ड्रैगन मिहलोविक को तो बनाया गया है कोच, इसके अलावा प्रिये मिस्लाव गेजस्की को बनाया गया है फिजियो ट्रेनर, और व्लादिमीर रेडोजविक को बनाया गया है फिजियोथेरेपिस्ट। इन तीन की नियुक्ति की गई है लगभग 5 मंथ के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। आज का 7th क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को। ठीक, कब मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, और इसी के हिसाब से 2019 में मनाया गया है ये 7 मई को। ठीक है, तो आप याद रखना दीजिए, विश्व अस्थमा दिवस 2019 कब मनाया गया? 7 मई को। ठीक है, इस बार जो विश्व साहिब 7 मई को मनाया गया, ठीक है, और इस बार जो थीम है 7 मई को मनाई गई उसकी वह स्टॉप फॉर अस्थमा। हाल ही में जो 2019 में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जो उसकी थीम है वो क्या है? स्टॉप फॉर अस्थमा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और एंड रेड क्रिसेंट डे, मैंने वीडियो के फर्स्ट में शुरू में बात की थी कि 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, तो आपको इसका आंसर भली बात ही पता है कि क्या है 8 मई, और इसके अंदर जो कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक, रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए प्रथम पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, कौन? शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? जीन हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, जीन हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, और उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। आपको याद रहना चाहिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इसके संस्थापक कौन थे और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में मर्म राजू सत्यनारायण राव का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक लेखक थे, ठीक है, और प्रख्यात लेखक और शिक्षाविद थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि मर्मराज सत्यनारायण राव का हाल ही में जिनका निधन हुआ है वे कौन थे, तो एक लेखक थे, एक शिक्षाविद थे, या एक विद्याविद भी थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। दोस्तों आज के अपडेट्स इतने ही हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।